नृत्य महोत्सव का आज आखिरी दिन था। विभिन्न देशों के कलाकार इसमें शामिल हुए थे और सिक्किम के कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। वहीं महोत्सव में राजस्थान के कलाकारों का नृत्य इसलिए खास था क्योंकि इस नृत्य के माध्यम से उन्होंने आदिवासियों पर गुजरने वाली सच्चाई के बारे में बखान किया। हमारे साथ आंध्र प्रदेश के कुछ कलाकार मौजूद हैं। डिमसा किस तरह का नृत्य होता है? ये डिमसा गिरजन करते हैं, गिरजन लोग करते हैं, ये डिमसा उत्सव में करते हैं। आप कहाँ से हैं बेसिकली? आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं और कुरुपम गुरुकुलम स्कूल से आए हैं। और क्या बताना चाहेंगे, अपने कल्चर के बारे में क्या बताना चाहती हैं? हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, गिरजन हम लोग का छत्तीसगढ़ बहुत पसंद आया है। आज हमारे साथ गुजरात के कुछ कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टेज में परफॉर्मेंस दिया है, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नृत्य किया आपने स्टेज में? टिमली डांस किया। छत्तीसगढ़ के लोग से आप मिली हैं, यहाँ पर डांस किया है आपने, क्या कहना चाहेंगी यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप खुद आदिवासी हैं तो उनके लिए आपने अपने गुजरात की जो ट्रेडिशन है उसको आपने प्रस्तुत किया है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं 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 ना कहीं ये देखा जाता है कि जो ट्रेडिशन है वो लुप्त होता दिखता है, आजकल लोग जो है वो मॉडर्न कल्चर में जीने लगे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? फिर आएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में। संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी संस्कृति में हमारे बुजुर्गों परंपरा से करते आए हैं, इसलिए हम भी ये संस्कृति करते हैं। हमारे नृत्य में ढोल है, शहनाई है, थाली है और तीर है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आज की जो संस्कृति है वो पूरी मॉडर्न हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? बारे में सब ये हमें इकट्ठे हुए भाईचारा हुआ है और आगे हमारी संस्कृति बढ़े, यही हमारे मेहमान है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम मची है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये कलाकार जो है वो असम के हैं सारे, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपने आज स्टेज में जो परफॉर्मेंस दिया है वो किस गाने पर दिया है? बर्थडे सिकला। अच्छा, ये आपका जो असम का जो गाना है वो आपके ट्रेडिशन में किस तरह से गाया, मतलब कौन से फंक्शन में ये गाना जो है वो गाया जाता है और डांस किया जाता है? ये हम लोग नया साल पहले किया जाता है। नया साल में किया जाता है? हाँ। नहीं, आपने जो ड्रेस पहनी है वो कौन सी संस्कृति को दर्शाता है, क्या कहता है ये जो ड्रेस है वो? हम लोग बोडो ट्रेडिशनल डांस का ये रिगे रिगम खाली है और ये अरन्ना सुडांग बोलते हैं इसको, ये दखना है। आपने जो गले में माला पहनी है वो उसको क्या बोलते हैं? तो जुनबेरी बोलते हैं। आप जो है वो लगातार ऐसी परफॉर्मेंस देती आई हैं, आप आज परफॉर्मेंस दी हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है परफॉर्मेंस, अलग अलग देश की परफॉर्मेंस करके, हमने पहले इससे परफॉर्मेंस नहीं किया था, बहुत अच्छे लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा है। हमारे साथ कुछ लड़के भी यहाँ पर मौजूद है, युवा मौजूद है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या पहने हुए हैं? हम तो ये लड़के लोगों का पहनने वाला ये कॉन्स्ट्यूम है जो इसे गामसा कहते हैं और इसके बाद ये आरोना है और इसके बाद ये शर्ट। आप ये जो ड्रेस पहने हैं ये अक्सर किस फंक्शन में पहना जाता है इसे? ये तो हमारा बोरो ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेस है, इसको हर कल्चर पर हम इसको पहनते हैं। किस कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।